आइए दोस्तों, आज हम बनाएंगे झटपट तरीके से बनने वाला चिकन। ये मैंने हाफ के जी चिकन लिया है और इस पे मैंने मैरिनेट किया है हल्दी, नमक और ब्लैक पेपर, और इसको मैंने आधा घंटे के लिए छोड़ दिया है। और इसमें हम मसाला क्या क्या यूज़ करने वाले हैं, ये देखिए दोस्तों, ये है चिकन बनाने की सारी सामग्री जिसको कि हम यूज़ करेंगे। एकदम कम मसाले से हम बढ़िया चिकन बनाएंगे। हल्दी, गरम मसाला, रेड चिली, बाकी तो सब आपको पता है। पैन गर्म होने के बाद हम इसमें तेल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल, जीरा, सारे गरम मसाले, थोड़ा पैन को हम मिला देंगे, प्याज, आप देख सकते हैं प्याज गोल्डन हो गई है। इसको मैं एक बाउल में निकाल लेता हूं। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने प्याज को एक छोटे बाउल में निकाल लिया है। ये मैंने हल्दी, लाल मिर्च और गरम मसाले का पेस्ट, इसको भी मैं भून लूंगा। पानी में भूनने से, तेल में भूनने से मसाला जलता नहीं है और बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी मेरा जो चिकन है, मैरिनेटेड चिकन, ये मैरिनेटेड चिकन भी हम इसमें डाल देंगे। चूल्हा तेज करेंगे और इसको इसमें थोड़ा फ्राई कर देंगे, फ्राई कर देंगे अच्छे से। हमें इसको अच्छे से उलट पलट करना है ताकि तेल की सब जगह लग जाए और ये मसाला भी सब जगह इसमें लग जाए। मिक्सी में मैंने जो प्याज गोल्डन हो गए थे वो डाल दिया है, ठंडा होने का मैंने वेट किया था। अभी ये टमाटर और हरी मिर्च भी मैं इसमें डाल दूंगा। इसको अब हम महीन पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया पेस्ट बन गया है। ये पेस्ट अब मैं चिकन में मैं ऐड कर देता हूँ। और इसको इसी में थोड़ा सा पकाएंगे मसाले के साथ में, ताकि मसाले अच्छे से चिकन के अंदर मिक्स हो जाए। थोड़ा 5-7 मिनट हम ऐसे पकाएंगे ड्राई, उसके बाद हम पानी मिलाएंगे और बीच बीच में हम उलट पलट करके इसको घुमाते रहेंगे। देखिए दोस्तों, चिकन हमारा कितना अच्छा बन रहा है, कितना बढ़िया कलर आया है इसका। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे मसाले वाला,
थोड़ा सा हिला देते हैं और 10-15 मिनट के लिए हम ढक्के छोड़ देंगे धीमी आंच में इसे पकने के लिए। 5 मिनट हो गए हैं, थोड़ा इसको हम हिला देते हैं। चिकन भी अपना पानी छोड़ता है, इसे हम ढक देंगे और 5 मिनट बाद फिर इसको फिर पलटेंगे। आइए दोस्तों, इसको हम थोड़ा और हिला देते हैं। ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो गई है इसकी। ग्रेवी को हम थोड़ा और इसको पकाएंगे ताकि थोड़ा और डार्क हो जाए ग्रेवी हमारी और थोड़ा इसका पानी भी कम हो जाएगा, तो उससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। दोस्तों देखिए, दोस्तों आखिरकार वो समय आ ही गया जब हमारा ये चिकन रेडी हो गया है। इसकी ग्रेवी भी थिक हो गई है। आप लोग भी बनाइए इस तरीके से चिकन और बताइए आपको कैसा लगा। और कीप लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं ऐसे सिंपल सिंपल तरीके से कैसे खाना बना सकते हैं वो डिश मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा।